व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं धर्मशाला। तो हम घर से व्लॉग इसलिए शुरू नहीं कर पाए क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले थे। तो अभी हम धर्मशाला के आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे हैं, तो मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू कर लूं। तो कल हम गए थे पूंग डैम, वहाँ हमारा प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल हो गया था, तो इस वजह से आज हमारा इमीडिएटली ही एक राइड का टूर बना था धर्मशाला के लिए, क्योंकि हमें अभी कुछ दिन बाद मैक्लोडगंज के लिए निकलना है। तो मैंने सोचा कि धर्मशाला जाते हुए एक रोड देखा है कि कैसा है कैसा नहीं, और वहाँ देखा है कि ठंड का क्या माहौल चल रहा है। तो चलिए, अगर आप राइड पर मिलते हैं या बाइक पर मिलते हैं। आज पर हम आए हैं हमारे एक फ्रेंड के ब्लॉक सुजानपुर से है, कमल भाई का नाम है, इनके पास है अपाचे RTR 160। तो चलिए अब हम राइड कंटिन्यू करते हैं आगे। My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I wouldn't make it in this life, but now all of you see there's so much. So finally guys, इतनी मशक्कत के बाद हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला, और आप ये देखिए ऊपर व्यू काफी अच्छा आ रहा है, और मैं सिनेमैटिक्स में भी ये शॉट्स डाल दूंगा। और यहाँ पे अभी तूफान चलना शुरू हो गया, तो कमल भाई मेरे साथ हैं अभी, और इनके चैनल का नाम है KK_Rider। तो इनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा, देखिएगा ज़रूर कि ये कैसी वीडियोस बनाते हैं। ये ज़्यादातर दूर के वीडियोस बनाते हैं, दूर की राइडिंग में। तो ज़रूर इनका चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी भी मैं डाल दूँगा कभी ना कभी। तो अभी हम चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो मिलते हैं आपसे वीडियो में। हम बैठे थे पिज़्ज़ा हट, यहाँ पे धर्मशाला में एक मॉल है, तो वहाँ बैठे थे हम।
तो यहाँ पे काफ़ी मज़े हैं। तो अभी हम निकलते हैं वापस पठानकोट के लिए, तो अगली ट्रिप हमारी मैक्लोडगंज की होगी। तो चलिए आपको रास्ते में दो तीन सिनेमैटिक्स होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।